बड़वानी जिले के सिकलीगर समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिलवा रोड के बंजारा समाज के लोग गुरुद्वारे पर कब्जा करने की नीयत से विवाद करते हैं। आज सिकलीगर समाज के लोगों के द्वारा एसपी कार्यालय जाकर एसपी निमिष अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों का आरोप है कि बिलवा रोड स्थित गुरुद्वारा जहाँ जसवंत सिंह सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है, उसके स्थानीय बंजारा समाज के लोग आए दिन विवाद करते रहते हैं। हाल ही में जसवंत सिंह के साथ मारपीट की और उन लोगों की मनसा गुरुद्वारे पर कब्जा करने की है, जिस पर एसपी ने मामले की जांच का उचित कार्यवाही की बात कही है। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। कुछ लोग आए थे सर, ज्ञापन दिया है सर, क्या मामला? हाँ, कि कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कुछ मारपीट की घटना हुई है, उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने जो है ज्ञापन दिया। हम ज्ञापन का परीक्षण करा रहे हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाए। सर, मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं सर, हम आवेदन देने के लिए आए एसपी साहब में। मेरे को सर, मेरे साथ में मारपीट की गई है। मैं गवर्नमेंट दूध डेयरी चलाता हूँ ग्राम बिलवा रोड में। वहाँ का सर गुरुद्वारे का सेक्रेटरी भी हूँ। इस सर वह इसलिए मैं वहाँ सेक्रेटरी होने के बहाने सर वो लोग मेरे पे हमेशा विवाद की स्थिति बनाए रखते हैं। ये लोग सर गुरुद्वारे का पक्ष विपक्ष में हमेशा रहते हैं और गुरुद्वारे पर कब्जा करना चाहते हैं सर। कहीं दिनों से हमारा केस भी चल रहा है इसके ऊपर, और ये लोग सरदार नहीं है सर। गुरुद्वारे पर कब्जा करने के हिसाब से हमको हमेशा धमकाते रहते हैं। इन लोगों ने सर आए, प्रकाश पिता गल्लू और राधेश्याम गल्लू और परशुराम सोना और लाखन सिंह अमर सिंह, ये चार लोग आए सर। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह नायक है और मैं कल से देख रहा हूँ जो अंजड़ की पुलिस है, उन्होंने मतलब हमारे साथ मारपीट हुई है, जो भी व्यवहार हुआ है हमारे साथ हुआ है नाजायज। और ये ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व ऐसे फैलाना चाहते हैं ताकि समाज के अंदर दंगा हो सके। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार जो बिलवा रोड के जो लोग हैं बंजारा समाज के, वो आए दिन गुरुद्वारे पर लड़ाई झगड़ा करना, और जितने भी लोग आए हुए ये गुरुद्वारे कमेटी के मेंबर है और जो जसवंत सिंह है वो सेक्रेटरी है, उन पर जानलेवा हमला। इतने दिन तक तो धमकी देते थे, पर कल जो है वो साक्षात घटना भी हो गई है। उनको मारा गया, बाल पकड़ के और हाथ भी तोड़ डाला गया, और जो हमारी माता बहनें गुरुद्वारे में आई थी उनके साथ भी मारपीट हुई है। और यही बात लेकर जब ये थाने में गए अंजड़ थाने में, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो गई। वो जबकि एक घंटा तक वो मरीज को तड़पता वहाँ रखा गया और उनको बोला गया भाई मेडिकल करवा लो, बोले कि तुम आप चले जाओ बड़वानी के लिए। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ सर कि कोई भी अगर आदमी गया हुआ है तो उसका मेडिकल आप सरकार अपने पुलिस वाले करवाते हैं, पर ये लोगों ने ज़बरदस्ती हमको नाजायज मतलब, क्योंकि जो अपराधी है उनकी बात मान के उनके क्यों कई फ़ोन चले गए, तो उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी और हमको रात भर दौड़ाते रहे। और रात भर हमारी एफआईआर भी नहीं हुई। एफआईआर भी हुई तो कैसी हुई है? सिर्फ एक आवेदन, ये आवेदन लिखा के हमको दे दिया गया, ये आवेदन है। इसमें सर ये हम खेती बाड़ी करते हैं सर हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसे सामाजिक तत्व ना फैले और जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और पुलिस और जितने भी अपने अधीक्षक हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि ऐसा माहौल अब दोबारा न बने और जो दोषी है उनको सख्त सख्त सज़ा मिली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।